Hello, good morning everyone. This video is for class 8 and today we are going to read remaining part of chapter 6, that is introduction to flash CSS 6. तो इस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज़ पढ़े थे टूल्स के बारे में. इरेजर टूल्स तक हम लोग पढ़ लिए थे पेज नंबर 78 तक. इसमें अब हम लोग देखेंगे यूजिंग द फोसेंट ऑप्शन. फोसेंट ऑप्शन जो कि नल के जैसा आपको ऑप्शन दिखेगा उसका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे. टू रिमूव स्टॉक सेगमेंट और फिल्ड एरिया. जो भी स्टॉक सेगमेंट जो हो गया, जैसे कि हम लोग बॉर्डर बना रहे हैं, जो भी लाइन है कोई भी शेप बनाए हैं उसका बॉर्डर जो है उसको स्टॉक बोलेंगे, ठीक है. और फिल एरिया जो उसके अंदर का पार्ट का जो भी कलर भरा हुआ है तो वो फिल एरिया हो गया, ठीक है. तो इन दोनों को अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे. सेलेक्ट द इरेजर टूल एंड देन क्लिक ऑन फोसेंट मॉडिफायर. फोसेंट मॉडिफायर पे हम लोग नल के जैसा दिखेगा आपको वहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक द स्टॉक सेगमेंट और फिल एरिया डैट यू वांट टू डिलीट. या तो आपको स्टॉक एरिया डिलीट करना है तो स्टॉक एरिया पे क्लिक करेंगे हम लोग, या फिल एरिया अगर डिलीट करना है यानी कि जो भी शेप है उसके अंदर का एरिया डिलीट करना है तो अंदर में हम लोग क्लिक करेंगे. नेक्स्ट आपका है यूजिंग द इरेजर शेप ऑप्शन. शेप ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग कैसे इरेज करेंगे. इन द ऑप्शन लिस्ट एट द बॉटम ऑफ द टूल बॉक्स देयर इज ए ड्रॉप डाउन डैट लेट यू स्पेसिफाई द इरेजर शेप एंड साइज. यहाँ पे क्या है, सबसे टूल बॉक्स जो है उसके लास्ट में आपको शेप दिखेगा, ठीक है. शेप का ऑप्शन दिखेगा, वो आपको डिफाइन करेगा कौन सा शेप यूज़ कीजिएगा, उसी शेप के हिसाब से वो इरेज करेगा. जैसे ट्रायंगल यूज़ कर लिए हम लोग तो ट्रायंगल टाइप में वो इरेज करेगा, सर्कल कीजिएगा तो सर्कल टाइप में, या स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर में, ठीक है. यूज़ दिस ऑप्शन टू कस्टमाइज द साइज एंड लुक ऑफ द इरेजर. उससे क्या होता है, लुक और साइज जो है वो इरेजर का हम लोग चेंज कर सकते हैं. ज़्यादातर हम लोग देखते हैं इरेजर का हम लोग कैसा दिखता है शेप, तो वो शेप दिखता है स्क्वायर, वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका इंक बॉटल टूल. इंक बॉटल टूल का काम क्या होता है, वो जितना भी एरिया है आप उसमें स्टॉक बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं. देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द इंक बॉटल टूल लेट्स यू चेंज द स्टॉक कलर. स्टॉक कलर जो भी हम लोग लाइन लिख रहे हैं या शेप का बॉर्डर है उसका कलर चेंज किया जाता है. लाइन विथ एंड स्टाइल ऑफ लाइन, लाइन का विथ और स्टाइल सारा चीज़, और शेप आउटलाइन, और शेप का आउटलाइन भी, आउटलाइन यानी कि बॉर्डर उसका. यूजिंग द इंक बॉटल टूल रदर दैन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल लाइन्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेक्स इट ईजियर टू चेंज द स्टॉक एट्रीब्यूट्स. इसमें क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का लाइन या कोई भी स्टॉक चेंज करना है तो कर सकते हैं हम लोग. चेंज द स्टॉक एट्रीब्यूट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एट वंस टाइम. एक ही टाइम पे मल्टीपल जो भी ऑब्जेक्ट शेप यूज़ किए हैं हम लोग फ्लैश में, मतलब एक एक को सेलेक्ट करके और एक ही बार में बहुत सारे शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर का. द स्टेप टू यूज़ द इंक बॉटल टूल. यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, सेलेक्ट द इंक बॉटल. इंक बॉटल टूल को हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे. चूज द स्टॉक कलर एज डिजायर्ड यू यूजिंग द स्टॉक एंड फुल कंट्रोल इन द टूल बॉक्स. अब आपके हिसाब से आप अपना कलर, स्टॉक कलर चूज कर लीजिए, और इसके बाद चूज लाइन स्टाइल एंड लाइन विड्थ फ्रॉम द स्टॉक पैनल. और यहाँ पे लाइन विड्थ और लाइन स्टॉक जो है वहाँ से हम लोग पैनल से चूज कर लेंगे. राइट हैंड में दिख रहा है, यहाँ पे राइट हैंड में दिख रहा है, और यहाँ पे आपको सब ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर लीजिएगा चेंज. पेंट बकेट टूल. पेंट बकेट टूल का काम क्या होता है, पेंट बकेट टूल फिल्स इनक्लोज एरिया. जो भी इनक्लोज एरिया है, जैसे शेप आप ट्रायंगल बनाए हैं तो ट्रायंगल पूरी तरह से चारों ओर से क्लोज है, तो जो क्लोज है उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको भरने के लिए हम लोग पेंट बकेट टूल का यूज़ करते हैं. ये आप लोग पेंट में भी पढ़े हैं, ठीक है. या स्क्वायर है तो स्क्वायर को भरना है, या स्टार है, या रेक्टेंगल है, उसके अंदर में अगर कोई भी कलर भरना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन पेंट बकेट टूल का यूज़ करेंगे. हमेशा ये क्या, क्लोज एरिया को फिल करने के लिए यूज होता है. इट कैन बोथ फिल एम्प्टी एरिया एंड चेंज द कलर ऑफ ऑलरेडी पेंटेड एरिया. वो या तो एम्प्टी हो मतलब वाइट कलर में हो, या कोई कलर भी भरा हो उसको भी वो चेंज कर देगा. यू कैन पेंट विथ सॉलिड कलर्स, ग्रेडियंट, फोल्स एंड
बिट मैप फिल्स, इसमें आप जैसा भी कलर यूज़ करना चाहते हैं, सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर या बिट मैप, जो भी कलर यूज़ करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टेप दिया हुआ है, सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल, चूज ए फुल कलर फ्रॉम द कलर टूल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पेंट बकेट टूल पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिल कलर में से कोई भी कलर आपको जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड में है क्लिक द गैप साइज मॉडिफायर एंड चूज ए गैप साइज ऑप्शन। यहाँ पे गैप साइज मॉडिफायर पे हम लोग क्लिक करेंगे और वहाँ पे साइज उसका चूज कर लेंगे। डोंट क्लोज गैप्स, गैप्स को क्लोज नहीं करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लोज द गैप मैनुअली बिफोर फिलिंग द शेप, अगर यहाँ पे शेप का जो भी गैप है उसको अगर क्लोज करना चाह रहे हैं मैनुअली, तो अगर हम क्लोजिंग गैप मैनुअली कैन बी फास्टर फॉर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग। यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है तो उसमें क्या होगा, ये फास्टर हो जाएगा। चूज वन ऑफ द क्लोज ऑप्शन टू हैव फ्लैश फिल ए शेप डेट हैज गैप। यहाँ पे क्लोज ऑप्शन का हम लोग चूज करेंगे ताकि जितना भी गैप भी है वो क्या होगा, वो आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिक द शेप और इनक्लोज एरिया डेट यू वांट टू फिल, और जो भी आपका भरना है एरिया, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो भी क्लोज एरिया है उसको भरना है तो क्या होगा, वो भर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेप टू एडजस्ट ग्रेडियंट और बिट मैप फिल विथ द पेंट बकेट टूल और सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल। यहाँ पे ग्रेडियंट या बिट मैप अगर सेलेक्ट करना है, सेट करना है आपको पेंट बकेट टूल के साथ, तो इसके लिए ये आपका स्टेप दिया हुआ है, सेलेक्ट कीजिएगा पेंट बकेट टूल को, क्लिक ऑन ट्रांसफर फिल। ठीक है, ट्रांसफर फिल को क्लिक करेंगे, क्लिक एन एरिया फिल्ड विथ है ग्रेडियंट और बिट मैप फिल। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, यहाँ से आप फिल विथ ग्रेडियंट और बिट मैप फिल को चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको चूज करना है। नेक्स्ट जो है आपका द टाइम लाइन, टाइम लाइन है, टाइम लाइन जो है वो बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट और यूजफुल थिंग है। यहीं से हम लोग जो भी फ्लैश में कार्टून या जो कुछ भी बनाएंगे उसको कंट्रोल करेंगे, जितना भी लेयर है हम लोग का इसी में रहेगा। टाइम लाइन इज द एरिया वेयर वी ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द बेसिक एनिमेशन ऑफ फ्लैश। यहाँ पे सारा कंट्रोल हम लोग करते हैं एनिमेशन का। फ्लैश का डॉक्यूमेंट्स डिवाइड लेंस ऑफ टाइम इन टू फ्रेम। यहाँ पे क्या है कि जितने भी फ्लैश डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो भी हम लोग शेप या कार्टून या जो भी रख रहे हैं, उसको एक टाइम में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, टाइम लेंथ में फ्रेम को डिवाइड करेगा। इन आवर डॉक्यूमेंट वी कैन सेट हाउ मेनी फ्रेम आर शोन पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं पर सेकेंड कितना फ्रेम दिखना चाहिए, दिस इज नोन एज ए फ्रेम रेट। यहाँ पे इसको हम लोग फ्रेम रेट बोलेंगे। व्हेन द फ्रेम्स आर शोन इन ए सिक्वेंटल ऑर्डर, एक के बाद एक अगर शो कराना है, और ब्रेन ट्रांसपरेट चेंज बिटवीन फ्रेम एज एनिमेशन, व्हेन एन एनिमेशन हैज ए स्लो फ्रेम रेट वी आर एबल टू सी ईच फ्रेम इंडिविजुअली एंड द मूवमेंट अपीयर्स कॉपीज। व्हेन द फ्रेम रेट इज हाई और ब्रेन कैन नो लॉन्गर पिक आउट इंडिविजुअल फ्रेम एंड द एनिमेशन लुक्स क्लीन। यहाँ पे जो भी हम लोग सेट करते हैं वो आपका फ्रेम या लेयर जो भी है एनिमेशन का, वो टाइम लाइन्स में ही हम लोग सेट करेंगे कि कितना वन बाई वन दिखाना है या एक ही बार, मतलब सिक्वेंटली ऑर्डर में दिखाना है या वन बाय वन, या कितने सेकंड पे कौन आएगा मूव करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से सेट करेंगे। टू गिव यू ए रेफरेंस फॉर व्हाट टिपिकल फ्रेम रेट आर, कीप दिस नंबर इन माइंड। द डिफ़ॉल्ट FPS, जो डिफ़ॉल्ट FPS है मतलब फ्रेम पर सेकंड, जितना फ्रेम है पर सेकंड में कितने स्पीड में या कितना रहता है वो सेटिंग, वो होता है 12 FPS। ठीक है, मतलब फ्रेम्स पर सेकंड, FPS मतलब हो गया फ्रेम पर सेकंड। ए टिपिकल हॉलीवुड मूवीज यूज 24 FPM। तो यहाँ पे जो पर सेकंड मूव है, मूव कराना है फ्रेम को हॉलीवुड में, तो वो 24 FPS सेट करता है। एंड टीवी मूवीज आर यूजली अराउंड 30 FPS, और टीवी में जो मूवीज होता है वो
30 FPS मतलब 30 फ्रेम, जितना भी फ्रेम है फ्रेम पर सेकंड, यहाँ पर 30 फ्रेम पर सेकंड यानी मूव करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए फ्लैश डॉक्यूमेंट, और ये फ्लैश डॉक्यूमेंट के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, स्पीड चाहिए 24 या 30 फ्रेम पर सेकंड। यहाँ पे हम लोग 24 से 30 के बीच में रखते हैं, या तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 है ही। ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट है द टाइमलाइन लेआउट। टाइमलाइन का जो लेआउट है वो इस तरह का जो फिगर में दिख रहा है वैसा ही होगा। यहाँ पे टाइमलाइन, फिर मोशन एडिटर है, लेयर दिखेगा आपको, यहाँ पे टाइम दिख रहा है 1, 5, 10, ये जो है प्रति सेकंड है, पर सेकंड के हिसाब से है। यहाँ पे नीचे में आपको बहुत सारा चीज़ दिख जाएगा, प्ले, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा फ्रेम में। नेक्स्ट है आपका लेयर। लेयर भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो भी काम होता है, जो भी आपका शेप या कार्टून या रहेगा, वो लेयर में ही रहेगा। लेयर्स आर यूज टू डिटरमाइन व्हिच एलिमेंट्स अपीयर्स इन द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड में कौन सा एलिमेंट रहेगा, एंड व्हिच अपीयर्स इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में कौन सा रहेगा। मतलब कि जैसे हम लोग कार्टून देखते हैं, तो कार्टून के बैकग्राउंड में क्या होता है, कुछ घर वर है या गार्डन है, और फिर कार्टून फोरग्राउंड में होता है जो कि मूव होता है, इधर उधर भागता है। तो वैसे यहाँ भी है, लेयर ही डिसाइड करेगा कि क्या बैकग्राउंड में रहेगा और क्या फोरग्राउंड में रहेगा। क्रिएटिंग अ विजुअल स्टिचिंग ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज व्हाइल ए सिंगल लेयर इज सफिशियंट फॉर स्टैटिक ग्राफिक्स। एक सिंगल लेयर काफ़ी है स्टैटिक ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड एनिमेशन रिक्वायर देयर ओन लेयर टू क्रिएट अ मल्टीपल एनिमेशन, यू नीड मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल अगर एनिमेशन बनाना है तो मल्टीपल लेयर्स का भी जरूरत पड़ेगा। लेयर्स अपीयर्स अबव द स्टेज इन द मेन फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो इन ए टाइम लाइन। द टाइम लाइन एक्चुअली रिसाइड इन द ऑन पैनल विच इज एंकर्ड एट द टॉप ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट्स विंडो बाई डिफॉल्ट। यहाँ पे मेनली हम लोग को समझना है कि जो भी हम लोग यूज़ करते हैं शेप या कार्टून या जो कुछ भी हम लोग फ्लैश में बनाएंगे, वो लेयर के अंदर ही होता है। लेयर ही आपका डिसाइड करेगा कि वो कहाँ रहेगा। और एक स्टैटिक एनिमेशन बनाना है तो आप सिंगल लेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल बनाना है तो मल्टीपल लेयर्स का भी चाहिए। ठीक है, वर्किंग विथ लेयर, यहाँ पे लेयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं लेयर के साथ। द स्टैंडर्ड व्यू ऑफ अ लेयर इज़ वन डेट सोन सो द इमेज। लेट्स सी द डिफरेंट बटन्स अवेलेबल इन द लेयर पैनल एंड हाउ टू यूज़ देम। यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिखेगा आपको, जो जो हम लोग अपने यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडिंग लेयर, न्यू लेयर कैन बी एडेड एज नीडेड व्हेन वर्किंग विथ ए पार्टिकुलर सीन्स द फ्लैश मूवी। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग न्यू लेयर का ऐड करते हैं जब भी आपका रिक्वायरमेंट हो, खास करके मूवी के लिए हम लोग न्यू लेयर ऐड करेंगे। यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कैसे न्यू लेयर को ऐड करते हैं। इन द टाइम लाइन लेफ्ट क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग लेयर टू सेलेक्ट इट, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट इंसर्ट मेनू टाइम लाइन लेयर, टाइम लाइन में जाएंगे और वहाँ पे आपको लेयर मिल जाएगा। ठीक है, ए न्यू लेयर विल बी क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ द सेलेक्टेड लेयर, जो भी सेलेक्टेड लेयर है उसके जस्ट ऊपर में न्यू लेयर बनेगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, लेयर वन जो है नीचे हो गया, लेयर टू ऊपर हो गया है। ठीक है, इसके बाद रीनेमिंग लेयर, रीनेमिंग भी कर सकते हैं। आपको सिंपली डबल क्लिक कीजिए लेयर के ऊपर और वहाँ पे नेम उसका चेंज कर दीजिए, जो भी आपका नेम है वो चेंज कर दीजिए। नेम इसलिए हम लोग चेंज करते हैं या रीनेम करते हैं ताकि आपको आसानी हो, आगे कोई भी एडिट करना है तो लेयर के नेम से ही हम लोग पहचानेंगे कि किस लेयर में क्या है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ईच लेयर इज नेम्ड एज ए न्यूमेरिक सीक्वेंस सच एज लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, इस तरह से आता है बाय डिफॉल्ट एंड सो ऑन। इट इज़ ऑलवेज मोर यूजफुल टू असाइन मैनुअल इफ नेम टू ईच लेयर सो डैट देयर फंक्शन विद इन ए फ्लैश प्रोजेक्ट इज अंडरस्टूड। यहाँ पे हम लोग लेयर इसीलिए चेंज करते हैं, रीनेम करते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको कोई भी क्या करना है, एडिट करना है, तो आपको समझ में आ जाएगी कौन से लेयर में क्या एडिट करना है। मीनिंगफुल नेम्स कैन बी असिस्ट टू ए लेयर बाई रीनेमिंग इट। मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। स्टेप क्या है यहाँ पे, डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम,
The layer name will appear in the text box with the inter name selected. यहाँ पे जैसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लेयर है वो टेक्स्ट बॉक्स के टाइप में बन जाएगा. वहाँ पे हम लोग अपना आराम से इंटर द डिजायर नेम ऑफ द लेयर एंड प्रेस इंटर की, और लेयर का नाम रखने के बाद इंटर की दबा देना है. नेक्स्ट है आपका वर्किंग विथ मल्टीपल लेयर. एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, लेयर प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ मैनेज एंड कंट्रोल स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द फ्लैश प्रोजेक्ट. इन द कमिंग सेक्शन वी विल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मल्टीपल लेयर्स इन ए प्रोजेक्ट. द स्टेप टू क्रिएट ए सर्किल लेयर आर, यहाँ पे हम लोग एक सर्किल के लिए लेयर बना रहे हैं. पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि मल्टीपल लेयर्स में हम लोग काम कर सकते हैं. मल्टीपल्स टाइप का अगर एनिमेशन बनाना है आपको तो आप मल्टीपल लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक सर्किल के लिए हम लोग लेयर बना रहे हैं. ओपन ए न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया गया है इन द टाइम लाइन. डबल क्लिक ऑन द डिफॉल्ट लेयर नेम एंड रीनेम द लेयर सर्किल. यहाँ पे जो भी लेयर का नाम था पहले लेयर वन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे सर्किल के नाम से. इन द टूल्स पैनल सेलेक्ट द ओवल, ओवल टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एक वहाँ से सर्किल बना लेंगे. इन द कलर पैनल सेट द फिल कलर, फिल कलर को भी यूज कर लेंगे हम लोग ग्रीन. तो यहाँ पे ग्रीन यूज किया है तो ग्रीन हो जाएगा. एंड ड्रॉ अ सर्किल एंड इन द मिडिल ऑफ द स्टेज, और स्टेज के मिडिल में हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे. कैसे, क्लिक और ड्रैग करके. द स्टेप टू क्रिएट ए रेक्टेंगल लेयर, अब यहाँ पे एक और लेयर बना रहा है. मल्टीपल लेयर्स का जो बात हो रहा था, एक रेक्टेंगल के लिए लेयर बना रहा है. तो फिर से सेम वही चीज़, इंसर्ट ए न्यू लेयर फ्रॉम द इंसर्ट मेनू टाइम लाइन लेयर. ठीक है, इंसर्ट में जाएगा और एक न्यू लेयर को वहाँ से इंसर्ट करा लेगा. इंसर्ट कराने के बाद ए न्यू लेयर इज एडेड अबव द सर्कल लेयर. सर्कल लेयर के जस्ट ऊपर में एक नया लेयर आपका बन जाएगा, जिसको हम लोग फिर से रीनेम कर लेंगे रेक्टेंगल के नाम से. ठीक है, इन द कलर्स पैनल सेट द कलर एज ए रिक्वायर्ड, जो भी आपका रिक्वायर्ड है कलर उससे वही आप सेट कर लीजिए. यहाँ पे एक ब्लू है, एक ग्रीन हो गया है. ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन द टॉप ऑफ द सर्किल, और सर्किल के जस्ट ऊपर में वो एक रेक्टेंगल बना दिया. ठीक है, थर्ड में क्या है, एक थर्ड लेयर बना रहा है. द स्टेप टू क्रिएट ए पॉलीगॉन लेयर, तो फिर सेम वही चीज़ यहाँ पे क्या करेगा, सेम प्रोसेस को किया है. और यहाँ पे हम लोग जाएंगे टूल बॉक्स में और वहाँ से पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, पॉली स्टार टूल को, और फिर से वही सेम चीज़ कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका तीन लेयर बन गया और तीन लेयर में यहाँ पे तीन आपको शेप भी दिखने लगा है. एक पॉलीगॉन दिख रहा है, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल. द स्टेप टू चेंज द लेयर ऑर्डर आर ऑन द टाइम लाइन, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग पॉलीगॉन लेयर बिलो द रेक्टेंगल. अब यहाँ पे लेयर का सीक्वेंस चेंज करना है तो हम लोग सिंपली ड्रैग करेंगे. ठीक है, ड्रैग करेंगे और एक लेयर के नीचे एक लेयर को कर सकते हैं हम लोग. द रेक्टेंगल लेयर विल नाउ बी ऑन टॉप ऑफ द पॉलीगॉन. यहाँ पे पॉलीगॉन को क्या किया है, ड्रैग करके बिलो कर दिया है, इसलिए वो नीचे चला गया और जो रेक्टेंगल है वो ऊपर आ गया. एडवांस लेयर टेक्निक्स इन एडिशनल टू एडिंग, रीनेमिंग एंड चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर, देयर आर एडिशनल फीचर्स डैट मेक इट इजियर टू वर्क विथ लेयर. दिस इंक्लूड लुकिंग एंड हाइडिंग लेयर्स. यहाँ पे हम लोग जो भी लेयर दिख रहा है यहाँ पे अभी रीनेम एडिंग की है, चेंज की है लेयर का नाम. इसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉकिंग एंड हाइडिंग भी कर सकते हैं लेयर को. लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ए लेयर, लॉक और अनलॉक कैसे करेंगे, तो लॉक और अनलॉक करने के लॉकिंग लेयर इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन मेनी लेयर्स आर यूज्ड एंड द यूजर डज नॉट वांट टू पर्टिकुलर लेयर और ए लेयर टू बी मॉडिफाई. ये लॉकिंग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मान लो बहुत सारे लेयर में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा लेयर है, अगर लेयर लॉक नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी लेयर में अगर हम लोग घुस गए, कुछ भी चेंजिंग हो गया तो सारा बिगड़ जाएगा. इसीलिए लेयर को लॉक करके रखा जाता है. और जो भी चेंजेस करना है तो पहले अनलॉक करेंगे हम लोग लेयर को, फिर ही कोई भी चेंजेस करेंगे. टू लॉक ए लेयर इन द टाइम लाइन को क्लिक द
बुलेट बटन बिलो द क्लॉक। यहाँ पे टाइमलाइन में आप लोगों को दिखेगा बुलेट बटन लॉक का, ठीक है। उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऑल लेयर्स बटन्स ऑफ द लेयर टू बी लॉक्ड। यहाँ पे सारा जो भी लेयर का है वो लॉक्ड हो जाएगा। वंस क्लिक्ड द बुलेट विल चेंज टू द लॉक अनलॉक ऑप्शन, ठीक है। लॉक को अनलॉक में बटन में चेंज कर देगा। टू अनलॉक लेयर क्लिक ऑन द लॉक अनलॉक बटन, और अनलॉक करना है तो फिर से उसी बटन पर हम लोग फिर से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अनलॉक हो जाएगा। जब भी कोई भी एडिटिंग करना होगा तो अनलॉक करेंगे, और नहीं करना है तो सेफ सेफ्टी के लिए हम लोग उसको लॉक करके रख देंगे। हाइडिंग एंड डिस्प्लेइंग ए लेयर, लेयर को हाइड करना है या डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइडिंग लेयर आर यूजफुल व्हेन वर्किंग विथ मल्टीपल लेयर्स इंस्टेड ऑफ व्यूइंग ऑल द लेयर्स एट वंस। लेयर्स कैन बी हिडन फ्रॉम व्यू टू मेक द वर्क इजियर। यहाँ पे क्या है कि हाइड और अनहाइड का यूज़ करते हैं हम लोग बहुत सारा, जब लेयर है तो आपका काम जो इजियर बनाना है तो हाइड एंड अनहाइड का यूज़ करके हम लोग कर लेंगे, क्योंकि जो जिसके जितने जो लेयर्स का जरूरत नहीं है उसको हाइड कर देंगे हम लोग, और जिसका काम है उसमें काम करेंगे, फिर अनहाइड भी कर सकते हैं। टू हाइड ए लेयर क्या करना होगा, हाइड करने के लिए इन द टाइम लाइन्स क्लिक ऑन द बुलेट बटन बिलो द शो एंड हाइड। यहीं पे सिर्फ लेयर के जस्ट नीचे में फिर से वही आपको दिखेगा, यहाँ पे लॉक और अनलॉक दिख रहा था, वहीं पे बगल में हाइड एंड शो भी दिखेगा, ठीक है। तो हाइड एंड शो करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे तो हाइड होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो शो होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेम। फ्रेम जो है, फ्रेम रेफर्स टू स्टिल इमेज डैट व्हेन शो सिक्वेंटली क्रिएट द इल्यूशन ऑफ एनिमेशन। अब फ्रेम क्या है कि एक जो सीक्वेंस में जो भी हम लोगों को यूज़ करना है, शेप या कोई भी पिक्चर कार्टून, उसको वो सिक्वेंटली शो करता है, ठीक है। फिर FPS जो है क्या है, इट स्टैंड फॉर फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम पर सेकेंड जो भी मूव कर रहा है पर सेकेंड, वो FPS कहा गया है। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। व्हेन द FPS नंबर इज बिटवीन 16 to 24 द ह्यूमन ब्रेन कैन प्रिक्रेव मोशन। फ्रेम का जो स्पीड होगा, मूवमेंट का स्पीड 16 से 24 के बीच में होगा तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसको रीड कर सकता है, यानी कि उसको समझ सकता है कि ये कैसे मूव हो रहा है। नेक्स्ट आपका की फ्रेम। की फ्रेम आर द ड्राइंग ऑफ विच डिफाइन ए मूवमेंट इन द वर्क फ्लो ऑफ ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन, ठीक है। जो की फ्रेम है एक ड्राइंग है जो कि उसका वर्क फ्लो जो है वो ट्रेडिशनल है, हैंड ड्रॉन, जैसे कि हैंड से बनाया हुआ कोई ड्राइंग एनिमेशन का, ठीक है। द सीनियर ऑफ अ की आर्टिस्ट वुड ड्रॉ ए की फ्रेम्स आफ्टर टेस्टिंग द अप्रूवल ऑफ रफ एनिमेशन। यहाँ पे जो भी सीनियर है या एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो टेस्टिंग के लिए पहले रफ एनिमेशन बनाएंगे, और अप्रूवल के लिए, अप्रूवल हो जाने के बाद द सीन्स वुड बी हैंडेड ओवर टू द SI असिस्टेंट। जो भी असिस्टेंट है उसको हैंड वर्क कर दिया जाता है। इन फ्लैश द की फ्रेम प्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ ट्विंस। और यहाँ पे की फ्रेम जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को सेट करता है उसके ट्विन को। यहाँ पे लास्ट जो है आपका टॉपिक, क्रिएटिंग अ सिंपल एनिमेशन। सिंपल एनिमेशन कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, क्लिक इन इनिशियल फ्रेम ऑन टाइम लाइन, चूज ओवल टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। ओवल टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द एरो टूल टू गेट द माउस पॉइंटर, राइट क्लिक ऑन द फ्रेम वन एंड सेलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इनिशियल फ्रेम पे हम लोग क्लिक करेंगे, ओवल सेलेक्ट करेंगे, फिर एरो की को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द फिफ्थ फ्रेम फ्रॉम टाइम लाइन एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन। द ग्रे फ्रेम अपीयर्स ऑन द टाइम लाइन। यहाँ पे ग्रे फ्रेम जो है वो आपको दिखने लगेगा। नाउ क्लिक ऑन द एट, एट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम, ए ब्लैक डॉट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखिएगा फिगर में तो कुछ समझ में आएगा।
सिक्स्थ ऑप्शन में है क्लिक द बॉल एंड ड्रैग इट ऑन द सेंटर बटन, सेंटर में हम लोग इसको ड्रैग करके कर लेंगे। नाउ सेलेक्ट द 15, राइट क्लिक एंड 15 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और 15 यानी कि 15 सेकंड पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम एंड डन अर्लियर एट 15, सेलेक्ट एंड ड्रैग द बॉल फ्रॉम मिडिल लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। नाउ यू हैव द बॉल एट थ्री पोजिशन एट इंडिविजुअल बाई फ्रेम 1:15:08। यहाँ पे क्या है कि हम लोग तो पहले ओवल बना दिए हैं बॉल को, इसका कलर चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे तीन कॉर्नर सेट किया जा रहा है, 1 सेकेंड 8 और 15 पे सेट किया जा रहा है, यानी कि हम लोग बॉल को मूव करा सकते हैं। 10 नंबर में गया, क्लिक ऑन कंट्रोल मेन्यू प्ले ऑप्शन, द बॉल विल अपीयर टू बाउंस वंस, टू रिपीट द बाउंसिंग क्लिक कंट्रोल मेन्यू स्टॉप ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके हेल्प से बना लेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखने पे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस का। जितने भी क्वेश्चन आंसर है तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके और आप लोग देख के लिख लीजिए सब सारा क्वेश्चन आंसर।